नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। दतिया जसवंतपुरा ग्राम में अधेड़ ने जहर खाकर आत्महत्या की। थाना प्रभारी सहित 6 लोगों को मौत का जिम्मेदार बताया। वीरेंद्र जाटव नामक अधेड़ ने ग्वालियर में इलाज के दौरान दम तोड़ा। आत्महत्या से पहले मृतक ने खुद का वीडियो वायरल किया। वीडियो में लांच थाना प्रभारी सविता शर्मा और ASI वीर सिंह दरोगा पर लगाया 25,000 रुपए लेने का आरोप। वीडियो में मृतक ने अपने परिवार के उत्तम सरोज, पूजा, सुषमा, चंद्रभान और राहुल पर झूठी रिपोर्ट करने का आरोप लगाया। मामले को गंभीरता से देखते हुए पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र कुमार मिश्रा ने थाना प्रभारी सविता शर्मा और ASI वीर सिंह को सस्पेंड करते हुए लाइन अटैच कर दिया। आज दिनांक 3/4/2024 को मैं अपनी मेरे द्वारा एक आवेदन दिया गया था लास्ट थाने में, मेरी कोई सुनवाई नहीं भई और सविता मैडम द्वारा कट्टा का केस लगावे के उपरांत 25,000 रुपया लिए मांगने के उपरांत 15,000 रुपये मुझसे वीर सिंह दरोगा और सविता मैडम ने लिए गए हैं, जिसकी रिपोर्ट उत्तम सिंह, सरोज, पूजा और सुषमा, चंद्रमा, राहुल द्वारा की गई है। मेरी बिल्कुल रिपोर्ट झूठी थी और इनके द्वारा मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। आज मैं अपनी आत्महत्या कर रहा हूँ। इसके जिम्मेदार उत्तम सिंह, राहुल, चंद्रमान, सुषमा, सरोज, वीर सिंह दरोगा जी, सुषमा और सविता मैडम, मेरी मौत की जिम्मेदार ये 6 लोग हैं, 6 लोग रहेंगे जिनका वो वीडियो वायरल हुआ था। एक मारपीट की घटना की शिकायत आई थी। पूजा जाटव नाम की एक महिला आई थी थाने में रिपोर्ट करने और उसने ये आवेदन दिया था कि वीरेंद्र जाटव और उसकी पत्नी और उसके परिवार वालों से कुछ, जो वीरेंद्र जाटव उनके जेठ हैं, और ऐसी सूचना आई थी और कि उन्होंने मारपीट किया है। तो उनको 3 तारीख को थाने बुलाया गया था और थाने बुलाया कि इनसे पूछताछ की गई थी। तो वहाँ पर क्योंकि पारिवारिक विवाद था ही, तो उसमें एक राजीनामा हो गया था जो गाँव के और भी वरिष्ठ लोगों के सामने, सबके सामने मिलके राजीनामा एक हुआ कि राजीनामा किया गया। उसके बाद में 3 तारीख को ही शायद वीरेंद्र जाटव ने ये वीडियो बनाया और जो अभी हम लोग को प्राप्त हुआ है, और उसमें उन्होंने बताया कि शायद वो प्रताड़ित हुए हैं, इसीलिए वो जहर खा रहे हैं। तो प्रताड़ना के संबंध में जब वो बता रहे थे तो उन्होंने वहाँ के सब इंस्पेक्टर सविता का और सविता शर्मा जी उनका और साथ में जो एक ASI है उनका उन्होंने नाम दिया। तो तत्काल प्रभाव से उन दोनों को सस्पेंड करके लाइन अटैच कर दिया गया है अभी, और जांच एडिशनल SP को दिया गया कि देखने के लिए, क्योंकि उनका नाम उन्होंने बड़ा स्पष्ट बताया है। तो जांच करके फिर उसके बारे में पता लगेगा कि असली में इसका क्या है, घटनाक्रम कैसा रहा है।